हम केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है? हाँ सर। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन, तो ये हमारा पांच फैक्टर्स है। आपको जिससे मालूम होना है, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकेंड है टेम्परेचर, थर्ड इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, फोर्थ इज रेडिएशन, फिफ्थ इज प्रेशर ऑफ द गैस। हम लोग डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ये टॉपिक्स इन द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग फर्स्ट पीयूसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी हमारा रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा। क्या होगा? रेट बढ़ेगा। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा टेम्परेचर है, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, जैसे हमारा दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच निगेटिव होता है, है कि नहीं, हम लोग थर्मोडायनेमिक में सीख चुके हैं, इसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट भी बढ़ जाएगा, ये एंडोथर्मिक में है। कैसा है? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि इट अकर्स एट लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रेट घट जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। इस तरह से टेम्परेचर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है। तीसरा सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो रेट ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ रेडिएशन का। ठीक है, रेडिएशन में क्या होता है, देयर आर सम रिएक्शंस व्हिच विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। जैसे हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl। यस सर। तो ये क्या होगा, लाइट पड़ेगा तभी ये रिएक्शन होगा, अगर लाइट नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ओके, व्हेन Cl2, सो दे विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सनलाइट में होता है या डिफ्यूज सनलाइट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है CH3Cl+HCl। ठीक है, ये रिएक्शन आप ICC 10th में भी सीख चुके हैं, अब स्टेन स्टैंडर्ड में और फर्स्ट पीयूसी में भी सीख चुके हैं, इसमें भी डिफ्यूज सनलाइट सही होता है। सो दीज आर द रिएक्शंस इन विच लाइट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट विल रिएक्शन रेट विल इंक्रीज। ठीक है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो, है ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट घट जाएगा। ठीक है, बट अगर क्या होता है, देयर आर सम रिएक्शंस इन व्हिच बोथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर रहते हैं, दोनों बराबर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। समझ में आया? हाँ सर। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। यस सर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू रेट लॉ एक्सप्रेशन।